जी बिस्मिल रही अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस चैनल चैनल पे अपनी कंटेंट और अपना टॉपिक शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू कि मेरे सब्सक्राइबर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर दैट बाकी स्टिल जो भी लोग नए आ रहे हैं इस चैनल के ऊपर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और यहाँ पर मैं डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे बिजनेस फाइनेंस है कार्पोरेट लॉ है मार्केटिंग मैनेजमेंट है रिसर्च मेथड्स हैं हैं जो बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट्स मैं उनके ऊपर प्लेलिस्ट बनाता जा रहा हूं और वीडियोस अपलोड करता जा रहा हूं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें अच्छा हमने जो पिछला टॉपिक छोड़ा था मैंने आपको बताया था कि उसमें आज हम क्या पढ़ेंगे आज हम देखें देखेंगे कि उसी को आगे हम एजेंसी प्रॉब्लम हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा उसके बाद आज हम आगे देख रहे हैं एजेंसी प्रॉब्लम से आगे ठीक है ये पीछे अगर मैं आपको दिखा दूं तो हमने ये एजेंसी प्रॉब्लम देखे थे ठीक है एजेंसी रिलेशनशिप क्या होता है एजेंसी प्रॉब्लम क्या होता है ठीक है अब नेक्स्ट है कि डू मैनेजर्स एक्ट इन शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट क्या जो मैनेजमेंट टीम है या जो मैनेजर्स हैं क्या वो एक्ट करते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स वेदर मैनेजर विल इनफेक्ट एक्ट इन देश इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स मैनेजर है या जो मैनेजमेंट की टीम है वो क्यों जो है ना बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर में एक्ट करेगी क्यों क्यों वो उनके इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे इसकी दो रीजन है पहला हाउ क्लोजली आर मैनेजमेंट गोल्स अलाइन विद शेयर होल्डर गोल्स के कितना उनके गोल्स में मैचिंग है जो शेयर होल्डर्स के गोल हैं सम टाइम डिफरेंट होते हैं सो so, मैनेजर या मैनेजमेंट गोल्स और शेयर होल्डर गोल्स ये कितना एक दूसरे को अलाइन करते हैं कितना एक दूसरे के साथ जो है ना ये मैच कर रहे हैं सेकंड कैन मैनेजर्स बी रिप्लेस्ड इफ दे डू नॉट परस्यू शेयर होल्डर गोल दूसरा ये है कि क्या मैनेजमेंट की टीम को या मैनेजर्स को रिप्लेस किया रिप्लेस कर दिया जाएगा अगर वो उसके इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे ठीक है देर आर अ नंबर ऑफ रीजन टू थिंक दैट इवन इन द लार्जेस्ट फर्म्स मैनेजमेंट हैव सिग्फिकेंट इंसेंटिव टू एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं चाहे कोई बहुत बड़ी फर्म है उसमें भी ये बात बड़ी अहम होती है कि जो मैनेजमेंट को अच्छा खासा इंसेंटिव दिया जाता है ताकि वो इंटरेस्ट में किसके इंटरेस्ट में शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम करें So, ये मैनेजर से एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा होता है कि वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए काम करें अब आगे मैनेजेरियल कंपनसेशन मैनेजमेंट फ्रीक्वेंटली है टू रीजन फर्स्टली मैनेजेरियल कंपनसेशन इज यूली टाई टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्पेश टॉप लेवल एंड सेकेंडली बेटर विद इन द फर्म टेन to get promoted. अच्छा इसमें जैसा क्या कह रहा है कि एक तो मैनेजर्स के लिए बड़े सिग्निफिकेंट इंसेंटिव होते हैं कि जब वो मैनेजमेंट जो है शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में अगर काम कर रही है तो उनको बहुत ज्यादा परफॉर्म जो है इंसेंटिव दिए जाते हैं ठीक है कि जो मैनेजेरियल कंपनसेशन है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ टाई कर दी जाती है ठीक है कि अगर जितनी अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगी उतने ज्यादा इंसेंटिव मिलेंगे सेकेंडली क्या है बेटर परफॉर्मर विद इन द फर्म विल दर्म टू गेट प्रमोटेड जो अच्छी परफॉर्मेंस करने वाले हैं जो की प्लेयर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में काम कर रहे होते हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा ठीक है जी शुक्र अलहमदुल्ला सॉरी फॉर दिस अच्छा जी आगे चलते हैं के कंट्रोल ऑफ द फ़र्म शेयर होल्डर्स पावरफुल क्या शेयर होल्डर इतने पावरफुल होते हैं कि वो फर्म को कंट्रोल करें देख लेते हैं कंट्रोल ऑफ द फर्म यूजली रेस्ट विद द शेयर होल्डर जो फर्म को कंट्रोल किया जाता है बेसिकली वो शेयर होल्डर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं दे इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बेसिकली इलेक्ट करते हैं अपने वोटिंग के जरिए Who in turn hire and fire managers. और उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल वेन वर्किंग एट एप्पल शेयर होल्डर्स डिसाइडेड दैट स्टीव जॉब्स एंड सो ही अब आपको इतनी बड़ी एग्जाम्पल इसमें दी जा रही है स्टीव जाब्स की स्टीव जाब्स जो एप्पल का ओनर था अब वो फोत हो चुका है अफ्यू इयर्स बैक वो फोत हो गया था तो आप इसमें देखें कि जो एप्पल की एक मिसाल दें कंपनी में जो होल्डर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि फर्म होता है फिर शेयर होल्डर्स राइट डू शेयर होल्डर फैसिलिटी टू कॉल मैनेजर टू अकाउंट क्या शेयर होल्डर के पास ऐसी फैसिलिटी ऐसा राइट होता है कि वो मैनेजर को किसी चीज के लिए अकाउंट फार कर सके या उनकी सर्जनिश या उनको प्रॉब कर सके, उनको इन्वेस्टिगेट कर द कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ अज्यूम्स दैट शेयर होल्डर अलैक्ट डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर अलेक्ट कर रहे होते हैं ये कारपोरेट का स्ट्रक्चर है कंपनी का स्ट्रक्चर है कि जो शेयर होल्डर होते हैं अपने वोटिंग की पावर से किसको सेलेक्ट कर रहे होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हु इन टर्न हायर मैनेजर्स टू कैरी आउट देयर डायरेक्टिव्स और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजर्स को हायर कर रहे होते हैं और उनको डायरेक्टिव्स देते हैं उनको इंस्ट्रक्शंस और हदायत देते हैं कि वो कंपनी के और कॉरपोरेशन के बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट में वर्क करें और अपनी स्किल्स के मुताबिक अच्छी परफॉर्मेंस दें शेयर होल्डर्स देयर कंट्रोल द कॉरपोरेशन थ्रू द राइट टू अलेक्ट द डायरेक्टर्स इस तरह जो शेयर होल्डर्स हैं

ये बात आप माइंड में रख लें कि जितनी इक्विटी है अगर एक शेयर है तो एक वोट अगर दस हजार शेयर हैं तो आप दस हजार वोट कास्ट कर सकते हैं आगे देख लेते हैं कम्युनिटी वोटिंग क्या होती है कम्युनिटी वोटिंग में बता रहा है अ प्रोसीजर इन विच अ शेयर होल्डर मे कास्ट ऑल वोट फॉर वन मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कम्युनिटी वोटिंग कहते हैं इकट्ठी वोटिंग होना कम्युनिटी वोटिंग में क्या है कि एक जो शेयर होल्डर होता है वो अपने सारे वोट्स किसी एक मेंबर को भी दे सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के या, दो को दे सकता है, या तीन को दे सकता है, है, है. यानी ऐसे लोग जिनके शेयर कम है वो भी अपने आप को ज्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं अपने वोट्स को कम्युनिटी वोटिंग के केस में ठीक है जी जैसे ये स्टेट वोटिंग है ना स्टेट वोटिंग क्राइटेरिया uh, जो प्रोसेस है प्रोसीजर डिफरेंट होता है कम्युलेटिव वोटिंग का डिफरेंट कम्युलेटिव वोटिंग में जो मिनोरिटी पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा होती है फिर डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड ऑल एट वंस और कम्युलेटिव वोटिंग में जो डायरेक्टर्स हैं वो इकट्ठे ही सिलेक्ट कर लिए जाते हैं अब आपको इसको एक मिसाल से समझा देता हूं इसको गौर से समझिएगा इस मिसाल को अप फॉर इलेक्शन दस डायरेक्टर है जिन्होंने इलेक्शन में कंटेस्ट करना है देन ओवर ऑफ शेयर विल गारंटी यू अ सीट ये एक छोटा सा फार्मूला है फॉर एग्जाम्पल लेट से दैट देर आर फोर डायरेक्टर अप फॉर इलेक्शन चार डायरेक्टर हैं इलेक्शन के लिए तो इसमें एन फोर आ गया ठीक है वन ओवर फोर प्लस वन

प्रोसीजर इन विच अल्डर में कास्ट ऑल वोट फॉर इच में बोर्डर सबके लिए सकता सब डाल सकता है जैसे डायरेक्टर एक वक्त में एक डायरेक्टर अलेक्ट हो रहा होता है दी वे टू गारंटी सीट इज टू ओन फिफ्टी परसेंट प्लस वन शेयर ठीक है द

फिफ्टी परसेंट इन टू हंड्रेड फिफ्टी और प्लस वन वोट एक शेयर का सो फिफ्टी वन शेयर आ गए हाउ एवर हाउ एवर स्टेट वोटिंग कैन फ्रीज आउट मिनारिटी शेयर होल्डर स्टेट वोटिंग का एक नुकसान ये है कि जो मिनारिटी शेयर होल्डर है उनको पार्टी उनको ये फ्रीज आउट बेसिकली कर देते हैं उनको रोक देते हैं देट इज वाई मेनी कंपनीज है इसलिए जो ज्यादातर कंपनीज होती हैं वो क्यूम्युलेटिव वोटिंग पे को प्रेफर कर रही होती हैं इन कंपनीज वेयर क्यूम्युलेटिव वोटिंग इज मैंडेटरी डिवाइसेस हैव बीन वर्कड आउट टू मिनिमाइज इट्स इंपैक्ट जहां पे अह वोटिंग बड़ी जरूरी है इट डिवाइसेस हैव बीन वर्कड आउट टू मिनिमाइज इट्स इंपैक्ट के वहां पे जो इंपैक्ट है रॉन्ग वोटिंग का कह लें या एक्स्ट्रा जो एक पार्टिसिपेशन है जैसे जॉन और स्मिथ के केस में स्मिथ ने इजीली अपनी मर्जी के डायरेक्टर अपॉइंट कर लिए जबकि ऐसा जो है वो कम्युनिटी वोटिंग के केस में नहीं होता सो आई थिंक मैं इस वीडियो को यहाँ पे रोक लेता हूँ आगे प्रॉक्सी वोटिंग से हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे क्लास ऑफ शेयर मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ ताकि जो है ना वो ईजी रहे आ, याद ईजी रहे कि हमने कहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करना है ठीक है लेट मी शो यू ओके फ्रॉम हेयर आई एम जस्ट राइटिंग इट ताकि मुझे भी याद रहे और आप लोगों के लिए भी इजी रहे कि हमने नेक्स्ट जो है प्राक्सी वोटिंग से मैंने इसको कर लेना है स्टार्ट कर लेना है इस लेक्चर को मैं यहां पे रोक रहा हूं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो